अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं? अच्छा व्यूवर, आज आपको सुजुकी स्विफ्ट का रेडिएटर लीक के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास किसी जगह ऐसी में आपके पास रेडिएटर वाला अवेलेबल नहीं है, तो वैसे भी ये जो रेडिएटर इनमें लगा होता है ये एलुमिनियम का होता है, इसको वैसे वो वाला टांका लगता नहीं है, इसका एक अपना टांका होता है, तो रेडिएटर ही वाले लगा लेते हैं। लेकिन अभी ये रेडिएटर लीक है, इसका हमें हल करना है। यहाँ से ये पानी लीक कर रहा है तो इसको बाहर निकालेंगे। इसको निकालने के, जैसे आपने देखा, इसका फ्रंट बम्पर जो है वो खोलना पड़ता है, बम्पर खोलने के बाद रेडिएटर बाहर निकालना पड़ता है। इसके आगे ये एसी वाली ग्रिल लगी हुई है, ठीक है, ये एसी वाली जाली है। एसी वाली जाली को आराम से आप खींचें, इसकी जो उसके पाइप वगैरह वो ना खोलें, क्योंकि वो खोलने से इसकी जो गैस है वो ज़ाया हो जाएगी। तो कोशिश करें गैस ना ज़ाया करें। रेडिएटर को बाहर निकाल के इसको कैसे हम इसकी लीकेज बंद करते हैं वक्ती, ताकि हम जब रेडिएटर वाले के पास जाके इसका जो मुकम्मल इलाज होता है वो करवाया जाए। लेकिन अभी इसका जो हल हमने करना है वो आपको सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, तो चलें वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पेज पर वीडियो देख रहे हैं वो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आपने जैसे कि देखे, मैं रेडिएटर को हवा क्यों मार रहा था, हवा इसलिए इसको मार रहा था, प्रेशर मार रहा था क्योंकि इसके अंदर जो पानी था वो खुशक हो जाए। अब इसमें हम पानी ऊपर से डालकर चेक करेंगे कि इसकी लीकेज है कहाँ से। अच्छा व्यूअर, देखें इसका रेडिएटर इंस्टॉल कर दिया, रेडिएटर आप दिखाएं। रेडिएटर खोलने के लिए इसके एसी की जो जाली वगैरह खोलनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद इसके फ़ैन के जो ब्रेकेट के बोल्ट हैं वो खोलने छोल के आराम से बाहर निकल आता है, तो इसके लिए बम्पर फ्रंट खोलना पड़ता है, ठीक है। तो इसको खोल के जैसे हमने एलपी डाल के ऊपर मैजिक लगा दी, तो उम्मीद है ये नहीं है कि इसको दोबारा खोलना पड़ेगा, उम्मीद है ये मुझे कुछ अर्सा चलेगा तो लीकेज नहीं होगी। लीकेज से ये नुकसान होता है कि अभी गाड़ी हीटअप हो सकती है, आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। तो वीडियो देखें, आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मालूमात है, आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ तो शेयर लाजमी किया करें। अच्छा, रेडिएटर लीकेज की क्या वजह होती है? इसका जो रेडिएटर लीक हुआ है, बाज़ दफ़ा तो ये एलुमिनियम का रेडिएटर है, बाज़ दफ़ा दूसरे में गाड़ियों में पीतल का जो रेडिएटर आता है उस तरह से वो रेडिएटर आते हैं, तो बाज़ दफ़ा पुराने हो जाते हैं, जिसकी नालियाँ जालियाँ घिस जाती हैं। तो ये साइड से इसको थोड़ा दबाव लगा हुआ था, जिस वजह से ये नाली क्रैक हुई थी, तो कुछ अर्सा इस तरह से रही, पता नहीं चला था, अब वो अचानक से लीक करना शुरू कर दिया था उसने। देखते हैं।